तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस चैनल में एक्ने स्टार क्रीम के बारे में, जो कि आपकी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, जो कि आपकी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने का वादा करती है। तो मैं हूँ दोस्तों संजय और आज डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इस क्रीम के बारे में, किसके फायदे क्या है, इसके इंग्रीडियंट्स क्या है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। आप लुक लाइक देख सकते हैं, जो क्रीम है कुछ ऐसे देखने को मिलती है, और यहाँ पे इसे जो है मैनकाइंड फार्मेसी बनाती है, जो कि हमारे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल ब्रांड है। तो यहाँ पे एक्ने स्टार जो क्रीम है, इसे डिजाइन करा गया आपके फेस के पिंपल, एक्ने और जो स्किन रिलेटेड इशू होते हैं उस चीज को खत्म करने के लिए। इसके अंदर आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी स्किन को क्लियर और आपके जो एक्ने होते हैं उसे खत्म करने में आपकी काफी ज्यादा ये जो क्रीम है मदद करती है, उसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है। अब बात करते हैं इसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्ने स्टार की जो इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में। यहाँ पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्ने स्टार क्रीम में डाले गए हैं, इसके अंदर दोस्तों नियासिनामाइड और क्लिंडावाइसिन होता है। ये इंग्रेडिएंट्स मिलके आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करते हैं आपकी स्किन पे जो एक्ने और पिंपल होते हैं उनका। साथ ही साथ एक्ने के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भी ये जो साल्ट है आपकी फेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके कुछ और भी बेसिक फायदे हैं, एक्ने और पिंपल तो इसका है ही, जैसे कि कोमेडोजेनिक है, मतलब कि जो आपके पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है, ताकि आपके जो पोर्स है वो ओपन ना, आपके फेस पे जो रोम छिद्र होते हैं वो ज्यादा फैले ना। और इसमें SPF भी शामिल है, यानी कि आपकी स्किन को ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट रखता है, यानी कि जो सन रेज होती है जिससे आपकी स्किन काफी डैमेज होती है, तो ये उसमें भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसे यूज करने का तरीका काफी ज्यादा सिंपल है। अब बात करते हैं कि इस क्रीम को आपको लगाना कैसे है। ध्यान रहे दोस्तों, हर स्किन टाइप अलग होता है, इसलिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना हमेशा काफी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपकी स्किन के लिए। लेकिन जनरली एक्ने स्टार जो क्रीम है, इसके लिए आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं पूछोगे तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। इसे लगाने का तरीका काफी सिंपल है, एक बहुत ज्यादा थिन लेयर आपको अपने फेस पे इसकी लगानी होती है, अप्लाई करनी होती है, और वो भी मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इसे आप रात में ही अप्लाई करें सोने से पहले। इतना अगर आप इसे करके सो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, हफ्ते भर में आपको एक काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने फेस पे। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके फेस पे जो एक्ने और पिंपल की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जो एग्जिस्टिंग एक्ने और पिंपल आपके फेस पे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्ने स्टार क्रीम यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या कुछ कॉन्स या इसके साइड इफेक्ट है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इनिशियल यूज में स्किन पे ड्राइनेस और इचिंग देखने को मिलती। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये बहुत रेयरली होता है, स्पेशली जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको बहुत सारी चीजें नहीं सूट करती हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो इस क्रीम को उसी टाइम लगाना छोड़ दीजिए, अदरवाइज नॉर्मल स्किन पे क्रीम काफी अच्छा काम करती है, नो डाउट, कोई साइड इफेक्ट का देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अभी तक किसी ने भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मेंशन करा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इनकेस अगर आपको कभी इसका साइड इफेक्ट हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिटेल में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट और ड्यूरेशन की, यानी कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा और इसे कब तक लगाना है। तो दोस्तों रिजल्ट का टाइम और इंडिविजुअल की स्किन टाइप, ये दोनों काफी ज्यादा डिपेंड होती है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, कब तक है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो 15 से 20 दिनों में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इनकेस अगर आपको पिंपल एक्ने की डेंसिटी काफी ज्यादा है, बहुत पहले से है, तो थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन हमेशा पेशेंस मेंटेन आपको करना है ताकि आपको एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे आपसे हार्डली 1 से 1.5 महीना भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई टाइम पीरियड इसका कुछ कंफर्म नहीं होता है। याद रखिए कि हर एक स्किन अलग टाइप की होती है, इसलिए किसी भी नए प्रोडक्ट को यूज करने से पहले एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इतना इशू है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर एक अच्छा डिसीजन मेकिंग बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतर चीज है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ।